वेलकम टू एके इंडिया। एके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के जो पाठ्यक्रम है, यानी कि बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती की जो सिलेबस है वो क्या रहने वाली है, उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 11,865 सीट के लिए जो भर्ती है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है आज से ही। और इसके लिए मुझे सिलेबस की वीडियो के बारे में लिए बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि जो मुझसे पूछे जा रहे थे कि सिलेबस आखिर क्या रहने वाली है, कौन से लेवल की एग्ज़ाम होगी, कैसे एग्ज़ाम होगी। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरे डिटेल में बताऊँगा कि जो सिलेबस है वो क्या रहने वाली है। टोटल 33 पन्ने की आपके पास सिलेबस है। तो प्लीज़ इस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करते हो तो आप अब सिलेबस से नहीं समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पीडीएफ जो सिलेबस से सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूँ कि जो सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो एक 50 क्वेश्चन इधर हो जाती है और एक 25 और 25 क्वेश्चन इधर हो जाती है, ठीक है। तो टोटल 50 और 50 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो चार सब्जेक्ट से, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे आपके हिंदी, इंग्लिश, थर्ड सब्जेक्ट आपके जीएस, फोर्थ सब्जेक्ट आपके करेंट अफेयर, जो कि 50 क्वेश्चन कंपलसरी ही पूछे जाएंगे। अब बात कर रहे थे फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन की, जो 50 क्वेश्चन आपके 25-25 के पार्ट में पूछे जाएंगे, जो कि दो सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और दो सब्जेक्ट कहाँ से आएंगे, तो जो आपके पास 8 सब्जेक्ट बचा, कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक और जियोग्राफी, ठीक है। ये 8 सब्जेक्ट में से आप कोई दो सब्जेक्ट चूज करोगे। जैसे मान लेते हैं मैथ और हिस्ट्री मैंने चूज किया, तो मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देने होंगे और हिस्ट्री से भी आपको 25 क्वेश्चन देने होंगे। यानी कि आप दो सब्जेक्ट ही चूज करोगे और बाकी सब्जेक्ट से आपको कोई मतलब नहीं रहेगी। आपने 50 क्वेश्चन यहाँ अटैम्प्ट किया और 50 क्वेश्चन पीछे अटैम्प्ट किया, तो आपका 100 क्वेश्चन हो गया। विशेष जानकारी के लिए आपको आई आइकन पे यहाँ लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो, जो कि क्वेश्चन पत्र के प्रारूप कैसे रहने वाले। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आप पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ्यक्रम जो है क्या रहने वाली है। तो जो पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं, विज्ञापन संख्या 02218 जो बिहार पुलिस के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहने वाली है, तो इसमें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, भौतिक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में लिखित परीक्षा के स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट के समकक्ष होंगे। यानी कि 10th+2 पे आपके जो क्वेश्चन होंगे पूछे जाएंगे। यानी कि आपका ये एग्ज़ाम बिहार पुलिस का नहीं, आपका समझ लो कि एग्ज़ाम जो है UPSC का होने वाला है। तो बात कर लेते हैं हिंदी के सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के सब्जेक्ट जो है क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो PDF को आप भी डाउनलोड करना चाहते हो सिलेबस को, कि कैसे डाउनलोड करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक FB पेज का लिंक मिलेगा। उस FB पेज को लाइक करने के बाद इस PDF को आसानी से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहाँ लिंक प्रोवाइडेड हो जाएगा, मैं करा दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। हिंदी में आपको टोटल तकरीबन गदखंड से आपको 27 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें प्रेमचंद के पूस की रात, रामचंद्र शुक्ल की कविता एवं परख, कुमार गंधर्व की भारतीय गायिकाओं के बेजोड़, विष्णु भट्ट गोडसे वारसाइकर को खो देखा गदर, कृष्णा सोबती, फणीश्वरनाथ रेणु की उत्तरी स्वप्न परी, मतलब बहुत सारे लंबे लंबे टॉपिक्स है और बताने बैठे तो वो घंटे दो घंटे की पूरे टॉपिक्स है, ठीक है। तो 27 आपको हिंदी से पढ़ने पड़ेंगे, आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना। और पदखंड से भी आपको टोटल 27 टॉपिक्स फ्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे हिंदी में। यानी कि हिंदी में आपको 27+27 टोटल 54 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं इंग्लिश, जो कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में आती है। तो जो दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो प्रिपेरिंग नोट एंड राइटिंग समरी ऑफ अ गिवन पैसेज, ठीक है, रीडिंग ऑफ टेल्स, रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेटिंग इजी एंड पेसेज, रीडिंग्स पोएम फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, फ्री कंपोजिशन ऑफ अ फैमिलियर वेल रजिस्टर्स ऑफ इंग्लिश, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको ट्रांसलेशन भी पूछे जाएंगे।
ग्रामेटिकल आइटम एंड स्ट्रक्चर, जिसमें आपको इतने टॉपिक्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मोडल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, फ्रेजल एंड इडियम्स भी पढ़ने पड़ेंगे, एनालिसिस भी पढ़ने पड़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच भी आपको पढ़ने पड़ेंगे यानी कि नरेशन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। रीडिंग्स ऑफ टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट प्ले, रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेटिव इजीज, रीडिंग पोएम फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग फ्री कंपोजिशन ऑन फैमिलियर, ठीक है, वेरियस रजिस्टर ऑफ इंग्लिश, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इंटू इंग्लिश, ठीक है। तो आपको ट्रांसलेशन भी इसमें पढ़ने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं गणित, जो गणित आपकी जो होगी सब्जेक्ट नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट में आती है, जो कि आप कोई एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, और जितने भी गणित के सब्जेक्ट है आपको 11th और 12th से रिलेटेड है, जैसे इकाई एक में समुच्च संबंध और फलन, गणितीय तर्कशास्त्र और बुलियन बीजगणित, इकाई दो में अनुक्रम श्रेणी, सम्मिश्रम संख्या, द्विघाती समीकरण, व्यंजन संचय और क्रम संचय, गणितीय आगमन का सिद्धांत, द्विपद प्रमेय, रैखिक असमिकाएं, कुछ प्रमुख अनंत श्रेणी, इकाई तीन में त्रिकोणमिति और इकाई चार में नियामक ज्यामिति, शंकुखंड, और इकाई पाँच में कलन का भाग, और इकाई छः में सांख्यिकी एवं प्राथमिकता। फ्रेंड्स, अब आती है हिस्ट्री के सिलेबस की। हिस्ट्री में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से लेसन पढ़ने होंगे हिस्ट्री के लिए, तो आपको यूनिट एक में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री आपको पढ़ने पड़ेगी, यूनिट टू में द प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड पढ़नी पड़ेगी, यूनिट थ्री में एंशियंट सिविलाइजेशन पढ़नी होगी, यूनिट फोर में आपको मेडिवल ऑर्डर पढ़ने होंगे, और फ्रेंड्स इसी तरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हिस्ट्री का थोड़ा लंबा चौड़ा भी सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं भूगोल, भूगोल में आपको क्या पढ़ना होगा, तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपको देखना होगा, जिसमें आपको यूनिट वन में ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन पढ़ना होगा, अर्थ के बारे में पढ़ना होगा, लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना होगा, क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ना होगा, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ना होगा, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना होगा, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको रिसोर्सेज, मैन एंड एनवायरमेंट, मेन क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पढ़ने होंगे। जैसे अब आपको एक और लेसन ज्योग्राफी में पढ़ने होंगे, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आपको पेपर, ह्यूमन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ह्यूमन सेटलमेंट और इंट्रोडक्शन भी आपको पढ़ने होंगे, फिजिकल एस्पेक्ट एंड ट्रायंगल सिस्टम आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आती है राजनीतिक शास्त्र, जिसमें आपको राजनीतिक शास्त्र में क्या क्या पढ़ने होंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स, स्टेट और थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट की कॉन्सेप्ट, राइट, ड्यूटी, ये सब, और स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ने होंगे, पार्लियामेंट भी आपको पढ़ने होंगे, इंडियन जुडिशरी भी पढ़ने होंगे, जिसमें आप एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ने होंगे, जिसमें बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आपको पढ़ने होंगे, उसके जो कंपोजिशन है, पावर है और फंक्शन, उसके बारे में आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया बात कर लेते हैं, भौतिकी, जो फिजिक्स के आपके जो भी टॉपिक होंगे आपको जो पढ़ने पड़ेंगे बिहार पुलिस के लिए, वो रहेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओसिलिएशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम। रसायन विज्ञान में भी आपको फ्रेंड्स जो टॉपिक्स पढ़ने होंगे वो क्या क्या रहेंगे, रसायन शास्त्र में कुल मूलभूत अवधारणाएं आपको पढ़नी होगी, परमाणु की संरचनाएं, रेडियो सक्रियता, तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणों का आवर्तीकरण, रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचनाएं, पदार्थ की अवस्था, गैस एवं द्रव्य, ऊष्मा गति, साम्य, रेडॉक्स समीकरण, हाइड्रोजन ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण एवं गुण, कार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन, पर्यावरणीय रसायन, ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक गति, सतह रसायन, तत्वों के अलग करने का समान सिद्धांत एवं प्रक्रिया, वर्ग एक
एवं वर्ग दो के तत्व वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18, डी तथा ए ब्लॉक के तत्व समन्वयक यौगिक एल्केलेन तथा एडीन्स के हैलोजन यौगिक अल्कोहल फिनॉल और इथर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोजिलिक अम्ल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जैव अनुबहुलक दैनिक जीवन में रसायन जीव विज्ञान के टॉपिक्स जो कि आप लोग के सामने फिर से आ गए। जीव विज्ञान की जो टॉपिक्स है उसमें आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, तो सजीव जगत की विविधता जिसमें आपको जैव विविधता का परिचय का महत्व, क्रमिक जीवों का वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण तंत्र, सूक्ष्म जीवों का आधारभूत जानकारी, ये सब जो टॉपिक्स है आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। सजीवों की जटिल एवं संरचनात्मक संगठन, कोशिका संरचना का कार्य, पादप जंतुकारी के जीव एवं पर्यावरण, प्रजनन और विकास, अनुवांशिक और जैव विकास, जैव तकनीकी एवं उसके अनुप्रयोग, व्यवहारिक जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, परिचय मनुष्य एवं पर्यावरण, अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में जो जीव विज्ञान की सिलेबस जो है इतनी ही थी, लेकिन अर्थशास्त्र में आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन अर्थशास्त्र की पढ़नी होगी, कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड इंडिया, इकोनॉमिकल रिफॉर्म सिंस 1991, करेंट चैलेंज फेसिंग इकोनॉमिक ऑफ बिहार एंड इंडिया, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ बिहार एंड फिर इंट्रोडक्शन, फिर क्या बिहार, फिर है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, और इसी तरह जो है आपके जो सिलेबस हो जाती है यहाँ ख़त्म। जो 33 पन्ना का सिलेबस था फ्रेंड्स, जो 33 पेज का सिलेबस था बिहार पुलिस के लिए, वो ख़त्म हो जाती है। ये सिलेबस नहीं, ये UPSC का एग्ज़ाम ही समझ लो है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कॉन्स्टेबल के एग्ज़ाम के लिए इतना लंबे चौड़े सिलेबस है, ऐसा मेरा मानना है कि ये सिलेबस में भी एग्ज़ाम में शायद पूछेगा। पिछले बार भी इसी तरह का सिलेबस दिया गया था, लेकिन एग्ज़ाम जैसे ही 15 अक्टूबर को हुआ था तो ये फिर से अपने ही बिहार पुलिस अपने औकात पे आकर के अपने एग्जामिनेशन लिया था। फ्रेंड्स आई होप ये जो दिया गया सिलेबस, शायद मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस फिर से बदल दिया जाएगा, लेकिन फ्रेंड जो सिलेबस दिया जा रहा है CSBC के जरिए, तो आप इस पर प्रिपरेशन करो। मैं आपको सलाह इसमें नहीं दूंगा कि आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, लेकिन जो सिलेबस उनके जरिए दिया गया था मैं आपको सीधा बता दिया फ्रेंड्स। और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यार बिहार पुलिस का जो है जो सिलेबस है इस तरह का सिलेबस है, और उनको दिखाइए और शेयर करवाइए। और कुछ सुझाव हो इस सिलेबस के लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट, जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आया और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो AK इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लें। बेल आइकन को इसलिए दबाएं कि मेरे वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलते रहे।